सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर टेक चैनल टेक फंस 5G। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी भी इमेज को पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि आप किसी भी इमेज को पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आपके क्रोम ब्राउज़र में आना होगा। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर ले, और उसके बाद क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको सर्च करना है smallpdf.com। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपल सा सर्च करना है smallpdf.com। सो दोस्तों, सिंपल सा सर्च करने के बाद आपको गो पे क्लिक कर देना है। गो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी, जहाँ यहाँ पे आपको smallpdf.com नाम की एक वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो इसमें को इतने सारे मेन्यू देखने के मिल जाएंगे। सो दोस्तों, सिंपल से आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कंप्रेसर पीडीएफ, और उसके बाद से आप यहाँ दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो कि पीडीएफ कन्वर्टर, और उसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो सो दोस्तों, सिंपल से आप जिस भी फाइल को पीडीएफ में एक्सचेंज करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपल से हम आपको इमेज को पीडीएफ फाइल में बदल कर दिखाएंगे। तो सिंपल से हम यहाँ पे आपको जेपीजी टू पीडीएफ पर क्लिक करते हैं, यानी कि हम अपने इमेज को सेलेक्ट करेंगे और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल से आपको अगर किसी इमेज को पीडीएफ फाइल में बदलना है, तो सिंपल से आपको जेपीजी टू पीडीएफ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा, तो सिंपल से आपको यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करना है। चूज फाइल क्लिक करने के बाद आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो अगर आप जहाँ से अपने फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस इमेज को आपको पीडीएफ में एक्सचेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो उस इमेज को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, फ्रॉम डिवाइस, फ्रॉम स्मॉल पीडीएफ, और उसके साथ ही फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स, और उसके साथ ही यहाँ पे लास्ट वाला देख सकते हो कि फ्रॉम गूगल ड्राइव। तो सो दोस्तों, सिंपल सा अगर आपके तो उस इमेज को अगर आपका अकाउंट है स्मॉल पीडीएफ में, तो वहाँ से आप उस इमेज को स्मॉल पीडीएफ के द्वारा भी सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके साथ ही अगर आपका फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स में अगर आपका अकाउंट है, तो वहाँ से उस इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके साथ ही अगर आपका गूगल ड्राइव यानी गूगल अकाउंट है, और वहाँ से आपका गूगल ड्राइव के अगर फोटो किसी फोटो को अपने गूगल ड्राइव में रखा हुआ है, तो वहाँ से भी अगर गूगल ड्राइव में आपका फोटो है, तो वहाँ से आप उस फोटो को गूगल ड्राइव से भी ले सकते हो। तो सिंपल सा हम यहाँ पे मोबाइल से लेने वाले हैं उस फोटो को, जिसको हम पीडीएफ फाइल में एक्सचेंज करेंगे। तो सिंपल सा हम यहाँ पे फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपको ये गैलरी में ले जाएगा, अपने फ़ोन के गैलरी में ले जाएगा। तो वहाँ से उस इमेज को सिलेक्ट करना होगा जिसको आपको पीडीएफ फाइल में एक्सचेंज करना है, जिसको आपको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद ये गैलरी में ले जाएगा। गैलरी में ले जाने के बाद आपको जिस इमेज को पीडीएफ में एक्सचेंज करना है, कन्वर्ट करना है, उसको उस इमेज को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आप सिंपल सा वीडियो कट करके और अपने इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सा मैंने ये इमेज को सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद जो आपका इमेज है वो सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो फाइल है पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, सिंपल सा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको कन्वर्ट पे क्लिक करना है। याद रखना, ऊपर यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो इमेज है उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोडिंग ले रहा है, और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है जेपीजी इमेज टू पीडीएफ, यानी कि आपको जेपीजी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहा है। तो सो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो फाइल है यानी कि जिस भी इमेज को आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए दिया था, वो आपका पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका पीडीएफ फाइल रेडी हो चुका है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका इमेज था वो पीडीएफ फाइल में एक्सचेंज हो चुका है, पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए, इसको अपने फ़ोन में सेव करने के लिए, पीडीएफ फाइल को सेव करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। जो आपने पीडीएफ फाइल को जो बनाया हुआ है, तो उसको आपको अगर डाउनलोड करना चाहते हो, तो सिंपल से आपको यहाँ पे डाउनलोड फाइल पे क्लिक करना होगा। अगर आप सेव टू ड्रॉप बॉक्स में अकाउंट है, तो आपको वहाँ से भी सेव कर सकते हो, ड्रॉप बॉक्स में भी सेव कर सकते हो। अगर आपका गूगल ड्राइव में अकाउंट है, तो गूगल ड्राइव में भी इस इमेज को पीडीएफ फाइल को सेव कर सकते हो, गूगल ड्राइव पे भी, जिस जीमेल में आप सेव करना चाहते हो गूगल ड्राइव में, उसमें आप सेव कर सकते हो इस पीडीएफ फाइल को। तो सिंपल सा हम यहाँ पे मोबाइल पे सेव करने वाले हैं, तो सिंपल सा हम यहाँ पे डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोडिंग ले रहा है, और लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो कि टिक मार्क का ऑप्शन आ गया है, टिक मार्क आ गया है। तो यहाँ पे आप पैनल के नीचे कर देख सकते हो कि जो हमारा पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपका जो पीडीएफ फाइल है, जो कि आप जो जिस भी इमेज को पीडीएफ फाइल में एक्सचेंज करने के लिए दिए थे, तो आपका जो पीडीएफ फाइल है रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसी इमेज को क्लिक किया था, और इसी को पीडीएफ फाइल में एक्सचेंज किया था। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने इमेज को क्लिक किया था, तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आप इस इमेज को पीडीएफ
फाइल को अगर आप मोबाइल में ओपन करके देखना चाहते हो और अगर आपको पीडीएफ फाइल मोबाइल में ओपन करना नहीं आता है तो मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख, उसमें मैंने बताया है कि आप किसी भी पीडीएफ फाइल को मोबाइल में कैसे ओपन कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। People so fake, man, it's always gotta show. And anything I do, ain't nobody gotta know.